नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IOC के नाम से भी जानते हैं। ये स्टॉक 178 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 1% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है 251,222 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.50% है। डिविडेंड ये अच्छा खासा देता है, 2.82% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 10 है। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑयल सेक्टर में है एंड इंडियन ऑयल को कौन नहीं जानता, राइट? तो फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देख लेते हैं तो ये 50-200 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी मीडियम से नीचे है, अगेन एक प्लस पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो काफी डगमगाया हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है एंड पुराने इसको मैच कर रही है, तो एक अच्छी बात है। अगेन तो आज देखिए चार्ट में, तो देखिए क्या हुआ है। फ्राइडे को इसने दिया था 2.14% का डाउन मूव, आज इसने दिया है लगभग लगभग 1% का अप मूव। तो देखिए फ्राइडे को वॉल्यूम जो आया था वो आया था 31.34, मतलब 32 मिलियन के आसपास। तो बीएससी का भी मिला के मुझे लगता है 35 मिलियन, मतलब 3.5 करोड़ के आसपास। एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम लगा लेते हैं हम कि आया है। मूव इसमें सिर्फ 1% का देखा गया है। देखिए इसकी जो क्लोजिंग थी पिछली वो थी 175.85 एंड इसकी ओपनिंग जो रही है 177.50 रही है, तो मतलब काफी नीचे ये ओपन हुआ है। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर आया है ये वाला सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमारी यही बात हुई थी कि शॉर्ट टर्म की एंट्री तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाती है एंड ये स्टॉक और नीचे गिरता है, क्योंकि स्टॉक काफी भाग चुका था, उसके बाद करेक्शन हुई, इसके बाद फिर से वही भाग गया, तो उसके बाद अब बेसिकली ये करेक्शन हो रही है। एंड ये करेक्शन देखिए बिल्कुल सपोर्ट पे ट्रेड करा है एंड अगर नीचे गिरा तो इसका सपोर्ट काफी नीचे है फिर जाके, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मुझे लगा कि रिस्क काफी है इसमें, तो इसलिए मैंने ये किया था कि मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री कभी भी नहीं बनाऊंगी। तो अभी की बात करें तो अभी की बात करने से पहले हम चलेंगे बीएससी पे। तो देखिए बीएससी पे इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है एंड न्यूज यहाँ पे एक आई है जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि इनके ऊपर ना एक करोड़ की पेनल्टी लगी थी, 1 करोड़ पेनल्टी फॉर नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ वेपर रिकवरी सिस्टम VRS एट रिटेल आउटलेट इन नेशनल कैपिटल रीजन NCR में। इन्होंने वेपर रिकवरी सिस्टम होता है कुछ पॉल्यूशन को रोकने के लिए, तो वो इन्होंने नहीं लगाए थे, तो उसकी वजह से इनको 1 करोड़ की पेनल्टी लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुई, इन्होंने बोला कि जो हमने जो ये लगे थे, जो कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था, इन रिगार्डिस वी वुड लाइक टू अपडेट दैट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन ऑयल द CPCB हैज CPCB has observed that Indian Oil had installed the VRS within the timeline stipulated by the Honorable Supreme Court. तो बेसिकली बोल रहे कि वो उस टाइम में लगा दिए गए हैं एंड जो इनका फिर से चेकअप जो भी होता है, सर्वे या कुछ भी क्वालिटी चेक या कुछ, उसके अंडर ये देखा गया है कि ये लगे हुए थे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है CPCB, तो उसने जब चेक किया तो वो लग चुके थे, तो उन्होंने बोला है कि ये जो पेनल्टी हमारे पे लगाई है इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया के अंडर बैठती नहीं, क्योंकि हम तो वो काम कर चुके थे, तो पेनल्टी बेमतलब लगी है। तो इन्होंने, तो अब देखिए जब रिपोर्ट आ गई है तो पेनल्टी भी माफ हो जाएगी। वैसे इतना बड़ा कोई अमाउंट था नहीं, वैसे 1 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट जो इंडियन ऑयल जहां पे इतना ज्यादा इनका बिजनेस है तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बट फिर भी एक थोड़ा सा होता है कि रूल आपने वायलेट किया है तो वो थोड़ा सा होता है दिक्कत। एनीवे तो इस खबर का प्राइस पे कोई अप या डाउन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगेन मेरी एनालिसिस जो है वो ये है कि अगेन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के यहाँ पे मैं कभी एंट्री नहीं बनाती, लॉन्ग टर्म के लिए मैं जरूर एंट्री बना लेती, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का फ्यूचर तो देखिए काफी अच्छा है एंड Q4 से पहले पहले मुझे लग रहा है 220-230 के आसपास ये टच करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।